ठीक है, एनकेडी हब। एनकेडी हब बेसिकली नियामत खान दुरानी मेरा नाम है और मैं पिछले 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में हूँ। सो मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम किया है, तो जैसे जैसे मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम किया और साथ साथ मैंने मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन भी कर दिए, आई एम अ सर्टिफाइड कोच, आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर। सो जैसे जैसे मैंने काम करता रहा तो मैंने कहा वाई मैं अकेला ये काम करूँ, क्योंकि मैं रिलेशनशिप कोचिंग कर रहा हूँ, मैं लाइफ कोचिंग करो, मैं करियर कोचिंग करो, साथ साथ मैं लीडरशिप ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। सो मैंने कहा यार मैं अकेला तो दे रहा हूँ, बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा इदारे काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। और उसमें जो बेसिक चीज़ थी एनकेडी हब बनाने के लिए वो ये था कि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे ओवरऑल पाकिस्तान से अप्रोच करते थे कि सर आप रिलेशनशिप पर काम करें, हमने आपके साथ काम करना है। तो मैं उनको ये जवाब देता था कि यार आप मेरे साथ क्यों काम करें, एनकेडी नियामत खान दुरानी तो एक इंडिविजुअली बंदा है, आप लोग भी काम करें। सो फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मैंने एनकेडी हब बनाने जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ काम कर सकूं, पूरे पाकिस्तान में काम कर सकूं। सो दैट्स व्हाई एनकेडी हब बनाया। एनकेडी हब में हम क्या करते हैं, एनकेडी हब में हम करते हैं रिलेशनशिप, करियर एंड लाइफ कोचिंग, जिसमें मुख्तलिफ नेशनल इंटरनेशनल मेरे मेंटोर हैं, मेरे कोच हैं, मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, जो मुझे जो लोगों को हम सिखाते हैं, जो लोगों के साथ हम कन्वर्सेशन करते हैं। सो ये एनकेडी हब तो एक कोचिंग का करते हैं, दूसरे एनकेडी हब क्या करते हैं, एनकेडी हब लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग में आपकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आते हैं और मुख्तलिफ यूथ कॉपरेट मुख्तलिफ लोगों से हम काम करते हैं, जो पाकिस्तान की लीड ट्रेनर है, मास्टर ट्रेनर है, उसके साथ मैं भी काम करूँ, उसको हम और इदारों में भी डिप्लॉय करते हैं। बेसिकली एनकेडी हब इज लाइफ करियर एंड रिलेशनशिप कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड साथ साथ उसमें लीडरशिप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुख्तलिफ लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है। सो दिट्स कॉल्ड एनकेडी हब। एनकेडी हब का जो ये कंसेप्ट था अभी बहुत ऐसे आया था कि हर बिजनेस के पीछे होता है कि वाई, सही है। सो वाई ये था कि एक बच्चा था और एक गांव में रहता था, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा सो गांव में उसने काफ़ी चीज़ें देखी है। एक बंदा जाते है दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, तीसरे के साथ लड़ाई करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर एक दूसरे को गोली मारता है। और इस तरह की सिलसिला सिर्फ मर्दों में नहीं, औरतों में भी बहुत ज़्यादा चलता रहता था। लाइक एक घर की औरत जाती है दूसरे घर की औरत से लड़ाई करती है, दूसरे घर की औरत जाती है और एक दूसरे के साथ सिलसिला चलता रहा। तो बच्चा जैसे बड़ा होता रहा वो एक बाज़ार में जाना स्टार्ट हो गया है, कुछ मार्केट में जाना स्टार्ट हो गया है, कुछ शहर में जाना स्टार्ट हो गया। जब वो शहर में पहुँचा तो शहर में मुख्तलिफ लोगों से उनका वास्ता पड़ता रहा, मुख्तलिफ लोग काम करते थे, मुख्तलिफ लोग देखते थे कि यार ये लोग क्या करते, कोई मेडिसिन की फील्ड में काम कर रहा था। सो जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे भी ये चीज़ नज़र आई कि मेरा ग्राहक आपके पास आ गया, मेरा क्लाइंट आपके पास आ गया, आपने उनको क्यों ये चीज़ कर दी, इनको चीज़ क्यों कर दी, और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत सारे आगे लड़ाई चलती रही, मुख्तलिफ चीज़ें चलती रही। लाइक इन शॉर्ट ये कि उधर भी लड़ाई झगड़े काफ़ी चीज़ें, भाई भाई से लड़ रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदारों से लड़ रहा है, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, उनको समझ नहीं आ रही कि यार क्या सिलसिला है, क्या ज़िंदगी चल रही है, उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहे। तो बच्चा जैसे बड़ा होता रहा तो वो थोड़े छोटे से थोड़े बड़े शहर में चला गया, कुछ काम करने, कुछ पैसे कमाने, कुछ चीज़ें देखने। सो मुख्तलिफ इंडस्ट्री में, मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ चीज़ों में काम करना स्टार्ट हो गया। तो जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम, लेकिन लड़ाई झगड़े, वहाँ पर कुछ और चीज़ें, अम्मी बेटी के साथ नहीं बोल रही, बेटी अम्मी के साथ नहीं बोल रही, भाई बहन के साथ नहीं बोल रहा, बहन भाई, लाइक सारा बहन भाई अम्मी अब्बू सारा एक दूसरे के साथ नहीं बोल रहे, छोटी छोटी चीज़ों पे तलाक हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों पे सारा सिलसिला है। सो वहाँ से फिर वो बच्चा सोचने लगा कि यार ये सिलसिला क्या है, ये माजरा क्या है कि यार हर जगह पर जाते लड़ाई झगड़े चल रही होती है, इसके पीछे क्या है, क्या लोगों सब लोगों को पैसे चाहिए, क्या सब लोगों को इज्जत चाहिए, क्या सब लोगों को क्या चाहिए, ऐसी क्या चीज़ है। फिर वो बच्चा जैसे और थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़े ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आ गया, मुख्तलिफ चीज़ें देखने लगी, अब वो करने लगा कि यार अब इसमें मुझे क्या करना है। तो वहाँ भी जब आया तो वहाँ पर और भी चीज़ें देखने को मिली, और भी उसका दिमाग खुल गया कि यार लीडरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और ट्रेनिंग्स क्या होती है, डेवलपमेंट क्या है, ये सोसाइटी क्या है, ये लोग क्या है, ये सारा सिलसिला। तो वहाँ पे जब वो आया तो उनका एक मेंटोर था,
उससे बार बार ये सवाल पूछता था कि आप किस मरज की दुआ है, लाइक आप क्या है। तो बच्चा सोचने लगा, देखने लगा कि यार मैं हूँ क्या। लाइक अगर एक सवाल मैं आप लोगों से करूँ कि आप अपनी अंदर नजर डालें और अपने आप से पूछे कि आप किस मरज की दुआ है, तो जब उसने अपनी ऊपर नजर डाली, अपनी चीज़ी को ऑब्जर्व किया, अपनी पूरी जिंदगी को ऑब्जर्व किया, उसने जितने काम की थी जिंदगी में उसको ऑब्जर्व किया, तो उनको एक चीज नजर आई, उसको ये चीज नजर आई कि आज तक मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने मजबूत खानदान से भी हूँ, मैं इतना अमीर बाप का औलाद भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बिजनेस मिल रहा है, फिर भी मुझे लोग इज्जत दे रहे हैं, फिर भी लोग मुझे मानते हैं, तो ऐसा क्या करता हूँ मैं कि ये सारे लोग मुझे मानते हैं। तो उसको रियलाइज हो गया और उसने जब अपनी जिंदगी पे नजर डाली, जब अपने आप को देखने लगा, तो उसने कहा एक चीज है जो मैं कर रहा हूँ और जो लोग, जिसकी वजह से मुझे बिजनेस भी मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं लोगों में उठना बैठना भी मेरा अच्छा है, जिसकी वजह से आज तक मुझे किसी ने जलील नहीं किया, वो है रिलेशनशिप। कि आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसा है, आप लोगों के साथ रिश्ते कैसे रखते हैं, आप लोगों के साथ जिंदगी कैसे गुजारते हैं। तो वहां से समझ आया, वो बच्चा मैं ही था, वहां से समझ आया कि मैंने काम रिलेशनशिप पे करना है, मैंने रिश्तों को मजबूत करना है, क्योंकि पैसे आते हैं, आने जाने वाली चीजें, सब चीजें आते हैं, रिश्ते जब एक दफा खत्म हो जाते ना, इंसान एक दफा चला जाते ना, इंसान दोबारा नहीं आता। तो मैंने वहां से आइडेंटिफाई कर दिया कि मैं इस मरज की दुआ हूं कि मैंने रिश्ते बनाने हैं, मैंने रिलेशनशिप के ऊपर काम करने हैं, मैंने उस रिश्तों को मजबूत करना है जो बिल्कुल वीक हो गए। तो उसके लिए मैंने सीखता रहा कि वाई मेरा क्लियर हो गया कि मैंने क्यों करना है। मैंने इसलिए करना है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मरते हुए देखा है, मैंने इसलिए करना है क्योंकि मैंने बहुत इदारों को खत्म होते हुए देखा है, मैंने इसलिए करना है क्योंकि मैंने बहुत घर उजाड़ते हुए देखा है, तो मैंने इसलिए करना है कि वो घर न उजड़े, मैंने वो इसलिए करना है कि वो जो लोग तलाक की रेशो बढ़ रहे वो न बढ़े, मैंने इसलिए करना है कि भाई मोहब्बत करे, मोहब्बत बांटे। सो मेरा वाई जो था यही था। सो फिर जब वाई मेरा क्लियर हो गया कि मैंने यही करना है और क्यों करना है, वो भी क्लियर हो गया कि भाई इसलिए करना है, मोहब्बत बांटना है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने अपनी जिंदगी पे जब नजर डाली और मैं सोचता रहा भाई आज जिंदा हो कल मर जाऊंगा क्या होगा, और ये सारे लोग भी आज जिंदा है कल मर जाएंगे, आज एक दूसरे को गाली दे रहे हो, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस मरज की दुआ, मैं रिलेशनशिप की कोचिंग करूंगा, मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं मुख्तलिफ चीज़ें करूंगा रिलेशनशिप की, हर बंदे की रिलेशनशिप मजबूत करने, सबसे पहले अपने आप जो मेरी रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो मजबूत करने में लग गया, जो ताल्लुकात मेरे लोगों के साथ ख़राब थे आराम आराम से वो सारा सेट करने में लग गया, और फिर मैंने कहा कि यही काम करने, तो वाह मेरा हो गया। लेकिन फिर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इस इंडस्ट्री से इतना वाकिफ नहीं था, लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे, मुझ में वो स्किल्स कहाँ से आएंगे। सो इसलिए फिर मैंने मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन किए, सीखा, मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मैं सर्टिफाइड रिलेशनशिप लाइफ एंड करियर कोच हूँ। सो वहाँ से सर्टिफिकेशन कर दिए, फिर मुख्तलिफ किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिए, मुख्तलिफ मेंटोर से मिलना स्टार्ट हो गए, मुख्तलिफ रिलेशनशिप एक्सपर्ट से मिला, क्योंकि पाकिस्तान में रिलेशनशिप के ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे, आउट ऑफ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, तो उनसे मेरा वास्ता शुरू हो गया, उनकी किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दी, उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी कि वो लोग कैसे करते हैं, और फिर मैं पाकिस्तान में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के लिए काम करने, अपने लोगों के लिए काम करने। सो फिर वहाँ से मैंने स्किल्स डेवलप किया, मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन किए, सारी चीज़ें सीखे, तो मेरा हॉबी क्लियर हो गया कि ऐसे करना है। अब जब ये सारी चीज़ें होगी तो अब क्या करना है, तो मैंने कहा अब करना ये है कि मैंने लाइफ करियर एंड रिलेशनशिप कोचिंग करने, लेकिन ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप के ऊपर करने, क्योंकि ये सारी चीज़ें जिंदगी से रिलेटेड है सारी। अगर आप देखा जाए, आपके मेरा एक बहुत स्ट्रांगली बिलीव है, अगर इस दुनिया से रिलेशनशिप ख़त्म किया जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा काम रिलेशनशिप ही करने, और क्या करने, मैं मुख्तलिफ कोचिंग करता हूँ, वन टू वन करता हूँ, आई एम अ ट्रेनर एज वेल, लाइक आई एम अ लीडरशिप ट्रेनर, तो मैं मुख्तलिफ लीडरशिप ट्रेनिंग कराता हूँ, लेकिन उसमें भी रिलेशनशिप के एलिमेंट डाल देता हूँ,
कि रिलेशनशिप लाइक अगर किसी कंपनी में है कि क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशनशिप रखना है, किसी अपने कुलीग्स के साथ कैसे रिलेशनशिप रखना है, तो इस चीज़ों पे मैं स्टडी करता हूँ। ये चीज़ें मैंने सिखाना जो मेरा वर्ट है कि क्या करना है, ये मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया, यही मैं कर रहा हूँ अब, ये सिलसिला मैंने स्टार्ट कर दिया। सो ये अकेला मैं करता रहा, अकेला करता रहा, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कॉल करते थे, अप्रोच करते थे कि नियामत साहब या दुरानी साहब हमने आपके साथ काम करने। तो मैंने कहा यार मैं तो नियामत खान दुरानी इंडिविजुअली NKD एक इंडिविजुअली बंदा है, आप लोग भी काम करें इंडिविजुअली करें। लेकिन फिर मुझे कुछ अरसे के बाद रिलाइज हो गया कि नहीं, वाई नॉट हम साथ मिल के चलें, जो भी रिलेशनशिप के ऊपर इस कोर्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका दोस्त हूँ उनके साथ। तो इस वजह से मैंने NKD हब को बना लिया कि ये सिर्फ नियामत का नहीं है, ये हर उस बंदे का है जो लीडरशिप ट्रेनिंग, जो रिलेशनशिप लाइफ कोचिंग करना चाहते हैं, आज ही मेरे साथ मिले। अगर कहीं भी पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, कहीं भी करना चाहते हैं शुरू करें, मैं आप लोगों को सपोर्ट भी करूंगा। जो चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं आती तो मैं रिकमेंड कर दूंगा आप लोगों को डिफरेंट ट्रेनिंग में, तो इंशाल्लाह साथ काम करें। तो दैट्स व्हाई NKD ने ये इनिशिएटिव ले लिया, NKD हब बना लिया। सो इट्स कॉल्ड NKD हब।